जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसी सड़क है जो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किया, चक्का जाम भी किया, लेकिन हालत जस के तस है और अधिकारी कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं। दरअसल यह पूरा मामला है जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा व जयजयपुर ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़क का, जिसको पुनः निर्माण के लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों से ग्रामीणों ने इस सड़क के लिए कई लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी है। अब इस सड़क की लड़ाई विधानसभा तक पहुंच चुकी है, पर साहब अधिकारियों और मंत्री को इस सड़क से क्या, वो तो एसी के कमरों में रहते हैं और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। आम ग्रामीणों और स्कूल कॉलेज आने जाने वालों को इस सड़क से तकलीफ होती है, इन्हें कहां समझ आए। तभी तो जब इस सड़क के निर्माण कब होगी जैसे सवाल जयजयपुर विधायक ने मंत्री से पूछा तो उनका जवाब था कि वो इस सड़क की निर्माण कब प्रारंभ होगी नहीं बता सकते। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सड़क की दुर्दशा अभी और कितनी होगी। तब शायद जाकर मंत्री और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुले और इस सड़क की कायाकल्प हो। पिछले बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भरने से ग्रामीणों ने सड़क पर ट्यूब की नाव चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया था। उस वक्त अधिकारियों ने सड़क की जल्द पुनः निर्माण की बात कही थी, परंतु अब तक इस पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर लोगों द्वारा उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। वही इस मामले में हमने मालखरौदा तहसीलदार से जानना चाहा कि इस सड़क की कायाकल्प कब होगी, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें अभी चार्ज लिए महज 10 दिन ही हुए हैं, वो जानकारी लेकर ही बता पाएंगे। सड़क के लिए 3 से 4 वर्ष पूर्व बजट पास होने के बाद भी इसकी निर्माण कब शुरू होगी, इसको लेकर के मंत्री के पास भी नहीं है कोई जवाब। समस्या रोड के समस्या, हमारा परेशानी हो रहे, जब महापर रहे बार कीचड़ हो जाते थे, एक्सीडेंट हुआ थे, अभी आश्वासन देते कि 84 करोड़ में बन चुके हैं, लेकिन अभी तक फोन नहीं कमीशन मिल पाते थे, कारण यह रुके है। समस्या तो है। कितने सालों से है ये? 13 साल हो गए थे, 12-13 साल। कितने दिनों से आप लोग शिकायत करते आ रहे हैं? 4-5 साल हो गए तेरह साल से। हमारा समस्या ये है बस कि ये जो मिशन चौक से जयजयपुर का जो मार्ग है ये बहुत ख़राब हो चुका है पिछले 13 सालों से। 13 साल पहले से बहुत जर्जर हो गया है, इसमें कोई भी आदमी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के छात्र और कॉलेज के छात्र हैं, गिर रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, इसके कारण हम लोग समस्त गांव वाले पहले से ही बहुत विरोध किए हैं। 2-3 बारी चक्का जाम हुआ है, केशव चंद्रा आते हैं, हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, पर अभी तक इसका कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोग सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द इसका कोई भी कोई निराकरण किया जाए। हमारे इस क्षेत्र का जयजयपुर से मालखरौदा जो रोड है, मेन रोड, उसकी बहुत समस्या है, जो पिछले 15-20 सालों से ख़राब है, और हम लोग 10 साल से इसकी मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन को, सांकेतिक धरना के आंदोलन माध्यम से और चक्का जाम के माध्यम से और आवेदन निवेदन के माध्यम से हम लोग क्षेत्र के शासन प्रशासन को अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के अनदेखा कारण इस रोड नहीं बन पा रहा। मैं इसमें बोलूंगी, जो मिशन चौक से जयजयपुर वाला जो 18 किलोमीटर मुख्य मार्ग है, जिसमें जनता लोग आने जाने में परेशानी हो रही है उन लोगों को, तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक जी हैं राम कुमार यादव जी और केशव चंद्र जी हम हैं, वो भी ये दोनों बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। क्या है, अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें वो लोग भी इस बात को उठाए थे, वहाँ प्रश्न किए थे, वो लोग दोनों जने बहुत ही इसमें भिड़े हैं इस रोड को बनाने के लिए, और मेरा मानना है कि वो लोग जल्द से जल्द इस रोड को बनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है, और ये जरूर पता है क्या है, मैं भी जानती हूँ यहाँ रोड है बहुत ही ख़राब है, इसके लिए ग्रामीण लोगों ने बहुत बड़ा चक्का जाम भी किया है और ज्ञापन भी सौंपे हैं, इसको मेरे को भी पता है, मैं भी गई थी
रोड बनना चाहिए इसके लिए। और गांव के लोग भी जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी है। मैं अभी 10 दिन हुआ है मेरे को ज्वाइन किए हुए, जो निर्माण एजेंसी है उसके बारे में पता करते हैं फिर आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ यहाँ तहसीलदार के रूप में, निर्माण एजेंसी के बारे में पता करके मैं बताऊँगा आपको। एक हफ्ते में बताऊँगा उसके बारे में कि मतलब कौन सा निर्माण एजेंसी है, कौन क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में।